साल डूब रहा है। ये जैसे कैसे है ये बस। हाय फ्रेंड्स, और एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी दोस्तों मैं झसूड़ा बस स्टैंड में हूँ। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो ये बुलवो बस है, ये 9400 वाली है और यहाँ पे इसमें मैं सफ़र करने वाला हूँ राउरकेला के लिए। अब वीडियो में बने रहेगा, अब मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखे ये बस गया को जाती है, इसका फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसमें भी देख सकते हो। ये बस का अंदर का नज़ारा को देखिए, कुछ इस तरह से मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सीट देखिए, काफ़ी कंफर्ट वाली सीट मिलेगी। अगर आप गया जाना चाहते हो तो इस बस में आप जा सकते हो। वहाँ पे देखिए डिजिटल वॉइस सायरन सब कुछ, पूरा गर्म एक बज के 5 मिनट हो गया है दोस्तों। और अभी ये बुलबो बस से यहाँ से झारसुगड़ा से निकल रही है, अभी झारसुगड़ा बस स्टैंड से अभी बाहर जाएगी। मैं आपको पूरा रोड का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे है हमारे पायलट सब, ये झारसुगड़ा का न्यू बस स्टैंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस बस स्टैंड का फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है और यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बस आपको मिलेगी वो सारे डिटेल में मैं उस वीडियो में बताया हूँ, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। अभी मैं बैठ चुका हूँ दोस्तों इस बस में और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी कम्फर्ट वाली सीट है। ये झारसुगड़ा से निकल गया और फिर आया राउरकेला होते हुए ये चली जाती है दोस्तों गया के लिए। अगर आप गया जाना चाहते हो तो इस बस में जाइएगा और मैं आपको रिव्यू फीडबैक में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के आखिरी में रिव्यू फीडबैक बताऊंगा कैसा लगा मुझे इस बस में, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे स्पीकर दिया गया है और यहाँ पे नज़ारा को देखिए। यह है झारसुगड़ा बाईपास दोस्तों और यहाँ पे अभी सुंदरगढ़ के लिए ये रोड जो दिख रहे हैं सुंदरगढ़ चली जाती है और अभी हमारी बस सुंदरगढ़ वाली रोड में चली गई है, जा रही है। ये OSRTC ओडिशा सरकार की वोल्वो बस रोड है, ये हर दिन झारसुगड़ा से गया को जाती है भाया राउरकेला और रांची होते हुए ये बस जाती है। अगर आपको इस बस में सफ़र करना है तो आप जा सकते हो। इसका राउरकेला का जो टाइम है 5 बजे और इसका झारसुगड़ा का टाइम है 1:15। पर मैं आज झारसुगड़ा जा रहा हूँ जिसकी दूरी 124 किलोमीटर है। झारसुगड़ा और राउरकेला रूट की बीच में 2 टोल गेट मिलती है जो कि आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप देखिएगा। और ये रोड NH रोड है, काफ़ी बढ़िया रोड है, आप इसमें आराम से अपना पर्सनल व्हीकल्स में भी जा सकते हो। और यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी है और 3 घंटा ये बस में लगती है।
ये जो है ना आपको बस मिले यहाँ से, और सब बस उसके पास। जी जी जी, देख रेख सब उसी के अंदर, शेराम के अंदर में। हाँ, देखो मालिक उसका सच्चाई जो भी रहे सादा है, तो सब अच्छी उठी सब। आप समझ रहे हैं, सफेद दाग वाला। हाँ हाँ जी, हाँ ऐसा होता है। देखिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, सफेद दाग जो बोलता है ना कि खराब है, वो कुछ नहीं है। ना ना सब पहले ऐसा एक आया झुकने से पहले वो निकल रहा है डूब रहा। ये जैसे तैसे है ये बस। हाँ हाँ वही वैसे ही है गवर्नमेंट बस। जी जी, तो 2000 से घूम रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अभी आधा घंटे। 27 किलोमीटर कवर करने के बाद दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं सुंदरगढ़ का OSRTC बस स्टैंड, और यहां पे आप देख सकते हो अभी बज चुका है टाइम जो है 2 बज चुका है, और यहां पे बस कुछ समय खड़ी होती है, यानी कि 15-20 मिनट यहां पे बस खड़ी होती है, उसके बाद फिर बस यहां से रवाना होती है राउरकेला के लिए। देख सकते हो ये बस, इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं राउरकेला झारसुगड़ा से, ये वोल्वो बस है 9400 वाली। कहने हो तेरे ये नहीं आता जी।
हाँ भाई के ना चले तुम्हें। हाँ अरे ये गोला ना और दिन नेबू ठीक ठीक रखी दे बाबू ये फले ही रखी दे। हाँ फिरोज नवीन बस पाके जो चार कुड़िये रे चलो हैला फाइनली फ्रेंड्स मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी ये आखिरी शॉट बना रहा हूं। तो इस बस में जो मैं सफ़र किया इसमें काफ़ी अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा। और इस बस में आप सफ़र कर सकते हो गाया के लिए अगर जाना चाहते हो, तो उसके लिए बुकिंग किस तरह से करोगे वो बुकिंग नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उस नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग कीजिएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हो। चाहे आप झारसुगड़ से गाया जाना चाहते हो, या तो राउरकेला से गाया जाना चाहते हो, या तो रांची से गाया जाना चाहते हो, तो सबके लिए आप इस नंबर पे बुकिंग कर सकते हो। आप बुकिंग कीजिएगा और इसमें जाइएगा और अपना फीडबैक अगर बताओ तो ये काफ़ी अच्छा था बस का सफ़र, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से रहिए। ओके बाय बाय।